सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल नोट्स को और लेटेस्ट अपडेट के लिए प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को। हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के कॉम्बिनेशनल लॉजिकल सर्किट के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 कॉलम 8 डिकोडर के बारे में। सो फ्रेंड्स, मैं हूं रवि भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नोट्स। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिकोडर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया था और हमने वहां पर 2 कॉलम 4 डिकोडर को भी डिजाइन करना सीखा था। सो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले डिकोडर के वीडियो को देख लें ताकि आपको आज का ये जो वीडियो है वो आसानी के साथ क्लियर हो सके। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं 3 कॉलम 8 डिकोडर। देखिए, हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं 3 कॉलम 8 डिकोडर। ठीक है, 3 कॉलम 8 का मतलब क्या हुआ, यहाँ इनपुट लाइन कितने होंगे 3 और आउटपुट कितने होंगे 8। ठीक है, 8 हो गया अपना आउटपुट। कैसे, जैसे कि मैं आपको बताया था, जैसे कि इनपुट करते हैं, मान लीजिए आप इनपुट कर रहे हैं 3, तो ये आपके इनपुट हो गए। ठीक है, आउटपुट कितना होता है 2 की पावर में n। ठीक है, 2 मान लीजिए n की वैल्यू है 3, तो इनपुट हो गया 3, आउटपुट कितना होगा 2 की पावर में n। 2 के पावर में n का वैल्यू कितना है 3, मतलब कितना हुआ 8 हुआ ना, तो 8 हो गया अपना आउटपुट। तो ऐसे आपको पैसे जानना है कि अगर 3 कॉलम 8 दिया हुआ है मतलब 3 इनपुट हो जाएगा, 8 आउटपुट हो जाएगा। बस ये 4 कॉलम 16 दिया है मतलब 4 इनपुट हो जाएंगे और 16 हमारे आउटपुट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पहले तो इसका ब्लॉक डायग्राम, उसके बाद में इसका ट्रुथ टेबल बताऊंगा, देन हम इसका सर्किट को डिजाइन करना सीखेंगे। देखिए, जैसे ये है अपना ब्लॉक डायग्राम डिकोडर। ठीक है, इनपुट कितनी है 3 लाइन, मान लीजिए इनपुट है I0, I1 और I2। आउटपुट कितनी है 8, मतलब 0 टू 7 होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब Y0 Y1 Y2 से लेकर के Y7 तक हमारी ये आउटपुट लाइन हो जाएंगे। ये हो गया अपना इनपुट और यहाँ से यहाँ तक अपना है आउटपुट। ठीक है, तो ये है डिकोडर। अब देखिए डिकोडर, जैसे कि हम लोग देखे थे 2 कॉलम 4 डिकोडर, तो यहाँ पर इनपुट लाइन पे डिपेंड करता था कि कौन सा आउटपुट लाइन एक्टिव होगा। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर जो आप इनपुट करेंगे तो उस इनपुट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आउटपुट लाइन एक्टिव होगा, क्योंकि एक समय में कोई एक आउटपुट लाइन ही एक्टिव होगा। तो कौन सा आउटपुट लाइन एक्टिव है, ठीक है, वो इनपुट के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उस चलिए इसको समझते हैं हम ट्रू टेबल के थ्रू कि कब हम कौन सा क्या इनपुट करेंगे तो हमको कौन सा आउटपुट एक्टिव मिलेगा। ठीक है, देखिए पहले देखते हैं इसका ट्रू टेबल। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट है I0, I1 और I2, यहाँ है हमारा इनपुट और यहाँ है आउटपुट। आउटपुट क्या मिल रहा है, Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y5, Y6 और Y7, ये हमारे आउटपुट मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इनपुट क्या क्या हो सकता है। इनपुट हो सकता है 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1। ठीक है, तो इतने सारे नंबर ऑफ इनपुट्स पॉसिबल हैं अगर हमारे पास 3 इनपुट है तो। अब आउटपुट क्या होगा, कौन एक्टिव होगा, देखिए सेम वही प्रोसेस है। देखिए पहला वैल्यू है 0 0 0, मतलब इसी फॉर्म में आपको लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए जब तीनों की वैल्यू 0 होगा तो जो पहला वाला आउटपुट लाइन है वो एक्टिव होगा, मतलब Y0 एक्टिव होगा, बाकी सारे इनएक्टिव होंगे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, बाकी सभी की वैल्यू को आपको कर देना है 0। ठीक है, जब आप सेकेंड इनपुट करेंगे 0 0 1, जब सेकेंड इनपुट करेंगे तो इसका जो सेकेंड आउटपुट है वो एक्टिव होगा, बाकी सारे डीएक्टिव होंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, एक बार में कोई एक आउटपुट आएगी एक्टिव होगा। देखिए जैसे ये 1 है मतलब ये एक्टिव हो, बाकी सारे डीएक्टिव है। ये 0 इनपुट किया 0 0 1, तो ये सेकंड वाला इनपुट एक्टिव हुआ, बाकी सारे डीएक्टिव हो गए। वैसे 0 1 0 करेंगे तो जो थर्ड वाला है ये Y2 ये एक्टिव होगा, बाकी सारे डीएक्टिव हो जाएंगे। वैसे इनपुट करेंगे 0 1 1, तो 0 1 1 करेंगे तो Y3 वाला एक्टिव होगा, बाकी सारे डीएक्टिव होंगे। इनपुट करेंगे 1 0 0, तो 1 0 0 में अपना Y4 एक्टिव होगा, बाकी सारे डीएक्टिव होंगे। इनपुट करेंगे 101, तो 101 में Y5 एक्टिव होगा, बाकी सारे डीएक्टिव होंगे। 110 में Y6 एक्टिव होगा, बाकी सारे डीएक्टिव होंगे। और 111 में Y7 हमारा एक्टिव होगा, बाकी सारे हमारे डीएक्टिव होंगे। ठीक है, तो ये है ट्रुथ टेबल। ठीक है,
तो ऐसे आपको डिजाइन करना है इसका ट्रुथ टेबल, याद रखिएगा इसी आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है। अगर सीक्वेंस आप आगे पीछे करेंगे तो यहाँ जो ये जो सीक्वेंस है ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे और ये एक बार में एक आउटपुट ही एक्टिव होगा। आपको ध्यान रखना है जब फर्स्ट वाला आउटपुट एक्टिव होगा 000 में फर्स्ट आउटपुट एक्टिव होगा और लास्ट जो 11 होगा उसमें तो सबसे लास्ट वाला आउटपुट एक्टिव होगा, ठीक है। और चलिए देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाना है। तो इनपुट लाइन है हमारे पास I0, I1 और I2। तो ये I0 का लाइन नीचे खींच लेते हैं। I0 का एक ये हो गया नॉट का लाइन, वैसे नेक्स्ट है I1 का लाइन, I1 का नॉट का लाइन, I2 का लाइन और I2 के नॉट का लाइन, ठीक है। तो ये हो गया, ये तीन है हमारे इनपुट। चलिए इसका आउटपुट बनाते हैं। देखिए जब तीनों की वैल्यू 0 है तो कौन एक्टिव हो रहा है, Y0। तो तीनों की वैल्यू 0 मतलब ये है 0 का लाइन और ये है 1 का लाइन, ये है 0 का लाइन, ये है 1 का लाइन, 0 का लाइन और ये 1 का लाइन, मतलब आपको यहाँ क्या लिखना है 0, इसका 0 और इसका 0, ये तीनों 0 लाइन को आपको एंड गेट से जोड़ देना है, आपको आउटपुट मिलेगा Y0। तीनों की वैल्यू क्या होगी, 0 0 0, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है 001, मतलब ये सेकंड है इनपुट 0 होना चाहिए, ये थर्ड सेकंड वाला भी 0 होना चाहिए और ये वाला क्या है 1 है, इन तीनों को जोड़ दिए तो यहाँ निकला Y1 और इसकी वैल्यू 001। नेक्स्ट है 010, मतलब 0 और इसका 1 का लाइन, ये 1 और इसका 0 का लाइन, ये है 0, इन तीनों को आप ऐड कर दिए यहाँ से आपको मिला Y2 010। नेक्स्ट क्या है 011, मतलब पहले इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 1 है, इन तीनों को आप एंड से जोड़ दिए तो आपको मिला Y3, इसकी वैल्यू 011। नेक्स्ट है 100, तो 100 मतलब ये 1 की लाइन और ये गई 0 की लाइन और ये क्या 0 का लाइन, और तीनों को आपको यहाँ जोड़ दिए यहाँ मिला आपको Y4, इसकी वैल्यू है 100। नेक्स्ट है 101, तो 101 मतलब ये गया 1 का लाइन, ये गया अपना 0 का लाइन और ये गया अपना 1 का लाइन, ये 0 का लाइन यहाँ है ना, 0 का लाइन और ये है 1 का लाइन, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ एंड से जोड़ देना है तो यहाँ निकला Y5 और ये है 101। नेक्स्ट है Y6, Y6 का मतलब क्या कि 110, 110 होने पे Y6 एक्टिव हो रहा है, तो ये लाइन गया 1 का, ये लाइन गया 1 का और ये लाइन गया 0 का, ठीक है। इन सभी को आप ऐड कर दिए तो यहाँ निकला Y6 और इसका आउटपुट है 110 होने पे ये एक्टिव हो रहा है Y6। और Y7 में क्या है, तीनों 1 है, ये 1 और ये 1 और ये 1, ठीक है, तीनों का 1-1 वाला आउटपुट लाइन, इसको आप जोड़ देना है तो आपको मिला Y7 और इसकी वैल्यू 111। मतलब देखिए अगर आप यहाँ से इनपुट करते हैं 000 तो ये जो Y0 एक्टिव होगा, अगर आप इनपुट करेंगे 001 तो Y1 एक्टिव होगा, अगर यहाँ से आप इनपुट करते हैं 010 तो Y2 एक्टिव होगा, 011 इनपुट करेंगे तो Y4 एक्टिव होगा, 100 इनपुट करेंगे तो Y4, 101 में Y6, 110 में Y5, Y6 और 111 में Y7, तो ये एक्टिव होगा। तो ये हो गए सारे हमारे 8 आउटपुट और ये हो गया हमारा 3 इनपुट। सो फ्रेंड्स ये है 3:8 डिकोडर, ठीक है। तो वैसे ही आप अगर क्वेश्चन आता है 4:8 डिकोडर को डिजाइन करना तो वैसे भी डिजाइन कर सकते हैं, बस वहां पर चेंजेस क्या हो जाएंगे, जो आउटपुट होगा वो 4 लाइन होगा, सॉरी इनपुट 4 लाइन होगा, आउटपुट होगा 16 लाइन और यहाँ पर हो जाएगा I0, I1, I2 और I3 और उसमें जो रेंज जाएगा यहाँ 8 तक गया है उसमें 16 तक जाएगा और यहाँ Y0 से लेकर Y16 तक हो जाएगा। एक बार में सेम एक इनपुट मतलब इनपुट करेंगे तो पहला वाला फिर सेकंड में दूसरा वाला तीसरा वाला चौथा वाला से इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेगा और जब आप सर्किट डिजाइन करेंगे तो I0, I1, I2 और यहाँ पर हो जाएगा I3 सेम उसका भी 1 का और 0 का आप सीरीज ले लेंगे और वहां पर चार चार का पेयर बनेगा तो फिर चारों 0 को एक्टिव करेंगे तो Y0 एक्टिव होगा, चारों 0001 को एक्टिव करेंगे तो Y1 एक्टिव होगा, इसी सीरीज में बनाना है। बट ये है कि उसका डायग्राम इसका जस्ट डबल हो जाएगा तो बहुत बड़ा डायग्राम बन जाएगा जो कि अभी बनाना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको ट्राई कर लीजिएगा। अगर कुछ आपको हम प्रॉब्लम फेस करें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो क्लियर हो गया होगा तो हमारे वीडियोस को लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टेक्निकल नोट्स को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।